बेईमानी का अंत बहुत भयंकर होता है मेरे दोस्त। हम इंसान एक दूसरे इंसान को बहुत गलत कुएं में धकेलते हैं। बेईमानी का जो रास्ता होता है बहुत ही डरावना और भयंकर होता है। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। इसलिए आप चंद पैसों के लिए, चंद भौतिक सुख सुविधा के लिए आप किसी के साथ बेईमानी मत करो। मैं आपको एक कहानी के रूप में दर्शाना चाहूंगा, आपकी आंखों की पर्दा को खोलना चाहूंगा कि ऐसा कैसे। आप सोचते होंगे ऐसा कैसे, तो आपको मैं बताऊंगा। दो मित्र होते हैं जो काफी अच्छे दोस्त होते हैं, फर्स्ट वाला दोस्त और सेकंड वाला। नाम बताना अच्छा नहीं रहता, वो नाम के पीछे किसी न किसी का कैरेक्टर और इमेज खराब होता है। दोनों दोस्त मिलकर के पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते करते बिजनेस काफी तरक्की करता है, लेकिन एक जो सेकंड वाला दोस्त रहता है उसके अंदर बेईमानी पैदा हो जाती है। और ये वो क्या करता है, जो फर्स्ट वाला दोस्त रहता है उसको लेकर के जाता है कहीं पे सुनसान जगह पे और उसको मर्डर कर देता है, जान से मार देता है और पूरे प्रॉपर्टी पे, पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लेता है। समय देखिए किस तरह से करवट बदलता है। वीडियो को बने रहिए, वीडियो को बंद मत करिए। अगर ये वीडियो आप सब्सक्राइब करते हो तो इस तरह की मोटिवेशन क्लासेस आपको हम लेकर आते रहेंगे। कोई जिंदगी में जीने का रास्ता बताता है और जिंदगी में आपको सच्चाई से अवगत कराता है। अब देखिए हम आगे आते हैं इस वीडियो पर, इस हिस्टोरी पर। समय बीतता है और जो दूसरे बंदा जो रहता है उसका लड़का पढ़ाई लिखाई कर करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट बनता है वही बेईमानी के पैसे से। जैसे जैसे उसका तरक्की होता है, एक दिन ऐसा होता है जब पढ़ लिख करके पूरी तरह से जब उस कुर्सी पर आकर के उसका लड़का बैठता है जो बेईमानी का कुर्सी रहता है, किसी का खून किया हुआ का कुर्सी होता है, उस कुर्सी पर जैसे ही उसका बेटा बैठता है दूसरे दिन बीमार पड़ जाता है। क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। और क्या होता है, समय देखिए समय किस तरह से बदलता है, बेईमानी किस तरह पहले लेके आती है, किस तरह से भयंकर सीन लेके आती है। उसका लड़का बीमार होने लगता है, दवा दारू कराते कराते जितना भी कंपनी है, बिजनेस है, सारे के सारे जो है बिक जाते हैं उसको इलाज कराते कराते। अब उस दोस्त के पास, जो दोस्त का मर्डर किया था उस बिजनेस के लिए, उस पैसे के लिए, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। फिर डॉक्टर को बोलता है उसका लड़का, मेरे पापा को बुलाइए, मेरा अब लास्ट समय है, अब मैं बचने वाला नहीं हूं, एक बार अपने पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं। वो बीमार बच्चा डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है, नर्स को रिक्वेस्ट करता है और उसका पिताजी जाते हैं तो क्या देखते हैं, जिस दोस्त का मैंने आज से कई साल पहले जान से मरवा दिया था इस प्रॉपर्टी के लिए, साक्षात वही शकल जो है मेरे बेटे के रूप में दिखाई दे रही है। और मेरा बेटा उसी शकल के रूप में उसी आवाज में बोलता है, हेलो दोस्त कैसे हो, हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे,
लेकिन आपने पैसे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमारा मर्डर करवा दिए। इसलिए मैं आपका बेटा बन करके आपसे बदला लेने के लिए आपके ही बीवी के गर्भ में आया और आपका बेटा बन के पैदा हुआ। आज 22-25 ईयर्स के बाद आपने जितने भी बेईमानी का पैसे कमाए थे, क्या वो पैसे हैं? और अब मेरा मकसद पूरा हो गया मेरे दोस्त, और मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा ये कह करके उसका लड़का दोस्त रूपी प्रतिबिंब के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। तो आपने क्या देखा, कभी भी दोस्ती में, कभी भी बिजनेस में किसी के साथ बेईमानी मत करो। आज ऐसे भी कुछ कस्टमर है, कुछ ऐसे भी कंपनियां है जो सामने वाले के पैसे को लेकर के देना नहीं चाहती हो। तो मेरा दोस्त, आप किसी के का पैसे लेकर के, आप किसी से बेईमानी करके, आप ये सोच करके बैठे हो कि मेरा सामने वाला क्या कर सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है, कोर्ट में नहीं जा सकता है, और उसका मामूली चंद रुपयों के लिए आप बेईमानी पर उतर जाते हो, फिर अलग सोर्स देखते हो, दूसरे जगह से माल लेना शुरू कर देते हो। तो वही हाल होने वाला है जो इस कहानी में आपको बताया। अंत में आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, रहेगा तो सिर्फ आपका ईमानदारी ही रहेगा। इसी के साथ मैं